हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चपाती है, मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अपने लिए एक अपनी फ्रेंड के लिए, तो ईच पार्ट क्या हो गया आपके पास, ये पार्ट क्या बन गया बच्चों, उसको कितना कितना पार्ट मिला, वन बाय अपॉन में टोटल पार्ट्स, वन अपॉन टू, हाफ हाफ मिलेगी दोनों को। नाउ आप अगर आप इसमें देखेंगे बच्चों, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, वन पार्ट कलर्ड है और टू टोटल। देखिए आपको दिखेगा जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं हम, उसमें जो टोटल पार्ट है हमारा डिनोमिनेटर में ही होगा ऑलवेज। न्यूमिनेटर देखिए, न्यूमिनेटर इज वन पार्ट इज कलर्ड इन, जो पार्ट इसने कलर्ड पूछा दैट इज न्यूमिनेटर। हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? वन पार्ट। नाउ द न्यूमिनेटर सेज हाउ मेनी पार्ट्स इन द फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर हमें बताता है कि उसमें कितने पार्ट्स हैं आपके फ्रैक्शन में, मींस कितने पार्ट शेडेड हैं फ्रैक्शन में, जो भी आपसे पूछेगा शेडेड और अनशेडेड। नाउ डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर सेज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इन द होल ऑब्जेक्ट। देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने समझना है, न्यूमिनेटर में हाउ मेनी पार्ट्स और इसमें हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इन द होल ऑब्जेक्ट, कि आपके कितने इक्वल इक्वल पार्ट्स जो हमने किया है, इसमें हमने टू पार्ट्स किए हैं बच्चों, जो टू पार्ट्स किए हैं उसमें टू इक्वल पार्ट्स। अगर ईच पार्ट की हमारी पूछी जाएगी हमसे फ्रैक्शन, तो ईच पार्ट की आपकी वन अपॉन टू। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए आपके पास टू अपॉन थ्री मीन्स जो हमारा अपर पार्ट होता है दैट विल बी द डिनोमिनेटर, और जो न्यूमिरेटर और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर। देखिए आपके पास बच्चों ये एक लाइन होती है, ठीक है, डिवीजन शो करती है ये। न्यूमिनेटर में आपके कितने पार्ट्स हैं? डिनोमिनेटर आपका, न्यूमिनेटर मींस आपसे कुछ भी पूछ सकता है शेडेड और अनशेडेड पार्ट, बट डिनोमिनेटर में आपके पास बच्चों टोटल इक्वल पार्ट्स होंगे। नाउ हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप? देखिए अब इसने पूछा हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, वन टू थ्री फोर, और उसने कहा व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन। डिनोमिनेटर आपसे पूछा है, डिनोमिनेटर मींस बच्चों जितने हमारे इक्वल पार्ट्स होंगे उसके, तो इक्वल पार्ट्स कितने हैं आपके इसमें, फोर पार्ट्स। अंडरस्टूड? नाउ हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड इन दिस शेप। यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए उसमें पूछा था हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड इन दिस शेप। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कितनी कलर्ड पार्ट आपके पास, वन टू थ्री, थ्री अपॉन फोर, टोटल जितने भी इक्वल पार्ट्स किए हैं दैट विल बी द डिनोमिनेटर। नाउ लेट स्टार्ट, फर्स्टली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अवर फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स बच्चों फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम होगा वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी एक फिगर ले लेते हैं, मैंने इसमें फोर इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है, ईच पार्ट का आपका क्या, अगर आपने फाइंड आउट करना है ईच पार्ट वन बाय फोर, और मुझे इसका फाइंड आउट करना है टू का टू बाय फोर। बच्चों जिसका सेम डिनोमिनेटर आपका होगा वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल्स टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, नाइन अपॉन फाइव, इलेवन अपॉन फाइव। देखिए बच्चों जो इनका ये डिनोमिनेटर है क्या है आपका, फाइव, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा बेटा, सेम डिनोमिनेटर, उन फ्रैक्शंस को क्या बोलोगे आप, लाइक फ्रैक्शन।
नाउ सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शन, उसका अपोजिट हो जाएगा जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा. फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो आपके होंगे अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक दिस देखिए एग्जांपल्स, 3/5 इसका आपके पास डिनोमिनेटर 5, देन 7 और देन 9 आपको गिवन है. तो कौन से फ्रैक्शन हो गए बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट से आप समझ में आ रहा है, यूनिटी मीन्स वन. फ्रैक्शंस विद न्यूमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. बच्चों जिसका न्यूमिनेटर आपका 1 होगा वो कौन सी फ्रैक्शन होंगी? यूनिट फ्रैक्शन. देखिए न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, 1, 1, 1, 1/5, 1/9, 1/11, जिसका न्यूमिनेटर आपका 1 होगा वो कौन सी फ्रैक्शन होंगी बच्चों? यूनिट फ्रैक्शन. नाउ प्रॉपर फ्रैक्शंस, अ फ्रैक्शन हूज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. देखो बच्चों जिसका न्यूमिनेटर लेस होगा, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा. डिनोमिनेटर आपका कौन सा होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल 2/7, 2 न्यूमिनेटर है और 7 डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा मीन्स इतना बड़ा होगा कि आप उससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे. जैसे 2/7 है तो यहाँ पर 7 2 से डिवाइड कर सकते हो आप? नहीं कर सकते. वहाँ पॉइंट लगाकर कर सकते हैं बट हमने सिंपल लेना है 2/7. तो इसमें आपका एग्जांपल्स देखिए, 2/5, 6/11, 3/8. आप सब में देखेंगे न्यूमिनेटर आपका लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. जिसका न्यूमिनेटर जो होगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है. अब जैसे इसमें 7/2, 3/2, 5/3, कुछ भी हो सकता है, 6/6, सेम भी हो सकता है हमारे पास और ग्रेटर होगा हमारा, या तो सेम या ग्रेटर. तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप प्रॉपर से याद रखेंगे, प्रॉपर में आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे और इम्प्रॉपर में आप डिवाइड कर सकते हैं. एग्जांपल्स देखिए, 7/4, 5/3, 6/6, आप सभी को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 7/4 है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप. 4 1 4, तो आपका आ गया 3, रिमाइंडर बच गया. इसी तरह से आप बच्चों अच्छे से कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन आपका कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का आपका कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, मेरे पास 3 चपातीज हैं और हम 2 स्टूडेंट्स हैं. मुझे 2 पर्सन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 चपातीज, तो क्या होगा? इसको 1 इसको मिल गई, 1 इसको, फिर ये बच गया. इसका क्या लेगा? ये कौन सा पार्ट लेगा बच्चों? हाफ हाफ. तो इसको भी क्या मिल जाएगी? हाफ और हाफ इसको, मतलब कितनी मिल गई? 1 1/2. तो 1 1 पूरी प्लस और हाफ, ठीक है. ये होगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन. और मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज यू कैन फाइंड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही मिक्स फ्रैक्शन होता है. एग्जांपल हमने पहले लिया था जैसे 7/2, आप ले सकते हैं 7/2, 7 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 1 रिमाइंडर. तो इसको आप लिखेंगे, उसको 3 होल पार्ट मिला और जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2.
अगर इसको सोल्व करना हो तो 2 3 6 और 1 7/2। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रपोर्शन ऑफ द होल। आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और डिफरेंट न्यूमिनेटर्स, अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा होगा और सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके लिए एक पिज़्ज़ा है, दिस इज अनदर पिज़्ज़ा, दिस इज एन अनदर पिज़्ज़ा। हमने इस पिज़्ज़ा के 2 पार्ट्स किए हैं और इस पिज़्ज़ा के आपने कितने पार्ट किए? 4। और इस पिज़्ज़ा के बच्चों हमने 6 पार्ट्स किए। ओके, अगर इसमें से ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 स्टूडेंट्स में ही 1/2 पार्ट मिलेगा, और इसको भी अगर 2 पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि उसके 4 पार्ट करे हुए आए हैं लेकिन 2 बच्चों में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 स्टूडेंट्स में, तो ईच को कितने कितने पार्ट मिलेंगे? 2/ टोटल क्या होगा? 4। ये इसमें 6 पार्ट है बट ये डिस्ट्रीब्यूट हमें 2 स्टूडेंट में ही करने हैं, तो सबको कितने कितने मिल जाएंगे? 3/6। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब देखिए इसको कितना शेयर मिला वैसे, ये जबकि मिल उतना ही रहा है 1/2। अगर आप यहाँ से कट करोगे 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, ईच को कितना पार्ट मिला है? 1/2। जबकि अगर आप देखोगे यहाँ से डिफरेंट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट था, इसका न्यूमिनेटर 1, इस पे 2, इस पे 3, और इसमें आपके पास 2 4 6, लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सेम वैल्यू। अंडरस्टूड बच्चों? एग्जाम्पल देखिए 2/3 4/6 6/9, अगर उसको आप कट करोगे, अगर आप यहीं से देखते हो 2/3 4/6 6/9, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 बनाने के लिए? 2 से न्यूमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 2 6। सेम अगर आप देखेंगे 2/3 से आपने 6/9 बनाया, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? न्यूमिनेटर भी 3 से और डिनोमिनेटर भी आपका 3 से। अंडरस्टूड बच्चों? नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन, होप एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक। Stay safe at your home, dear students.